तो नमस्कार, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम जानेंगे फराक और तुरई के बारे में, जो अधिक ग्रोथ और अच्छे फल और फूल कैसे आए, तो इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप इसको देख रहे हैं, इस फराक को और इस फूल को, ये पूर्ण रूप से स्वस्थ है क्योंकि इसे किसी प्रकार के कीट पतंगा ने डैमेज नहीं किया है। क्योंकि अक्सर बरसात के दिनों में देखा जाता है कि कीट पतंगा अधिक होने के कारण इन फूलों को डैमेज कर देते हैं, हमें पता भी नहीं चलता कि ये फल क्यों नहीं लग रहे हैं। तो इस प्रकार से पहले फूलों की हमें इस सुरक्षा करना ज़रूरी है। अगर फूल ही ख़राब हो जाते हैं तो फल लगना असंभव हो जाता है। तो पहली बात तो आप ने बरसात में ऐसी जगह अपना पौधा लगाइए जहां पानी का अधिक भराव नहीं हो, अन्यथा आप भी उसमें से फल नहीं ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आप ऐसी जगह ही लगाना चाहिए जहां बरसात में अधिक भराव ना हो पानी का। तो आप इस प्रकार से प्राकृतिक तरीके से, आपने ऑर्गेनिक तरीके से, आपने अगर घर पर किसी प्रकार से छत की बेलों को जड़ाने के लिए लगा रखा हो घर के उपयोग के लिए, तो आप जानेंगे कि आप इस प्रकार से अगर कीट पतंगा अधिक हैं तो आप नीम तेल का उपयोग कर सकते हैं। इस समय से नीम तेल का उपयोग करेंगे तो आप देखेंगे कि अच्छे से जो ये डैमेज कर चुके हैं कि कीट पतंगा पत्तों को और फूलों को, वो ही भाग जाते हैं, मर जाते हैं और दोबारा भी नहीं आते हैं। और आप देखेंगे कि इसकी ग्रोथ अधिक होने लगी है अच्छे से। सो इस प्रकार से पूर्ण रूप से इसकी ग्रोथ अच्छे से होगी और अधिक से अधिक फल आएंगे। तो इस प्रकार से आप इसका उपयोग, नीम तेल का उपयोग ज़रूर करें। और हम देख लीजिए जिस प्रकार से ये है फूल, इसको कीट पतंगा ने डैमेज कर दिया है। तो इस प्रकार से अगर फूलों को डैमेज कर देंगे तो इसमें फल लगना असंभव हो जाता है। तो हमें पता भी नहीं चलता है कि इसमें फल क्यों नहीं लग रहे, जब देखते हैं कि फूल ही ख़राब हो चुके हैं तो फल कहाँ से लगेंगे। तो इस प्रकार से पहले हमें फूलों को बचाना चाहिए। इस प्रकार से आप नीम तेल का उपयोग ज़रूर करें क्योंकि कीटनाशक दवाइयों का प्रभाव गलत पड़ता है। इस प्रकार से आप नीम तेल का उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से इसका स्प्रे करने से स्वस्थ पूर्ण रूप से पौधा हो जाता है और अधिक से अधिक फल लगेंगे। तो इस प्रकार से, और अगर आपकी ग्रोथ अच्छी नहीं हुई है तो थोड़ा सा गुड़ाई कर दें और गोबर का खाद डाल दें। तो इस प्रकार से पूर्ण रूप से ग्रोथ करने पर यह अच्छे से फूलों का विकास होगा, फलों का विकास होगा, वह अच्छे से ग्रोथ करेगा और अधिक से अधिक फल आएंगे। तो आपको ये हमारी समझ में आई हुई चीज़, तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, जाएँ।